शिक्षार्थियों, आज हम पारिवारिक संसाधन प्रबंधन एवं उद्यमिता विकास विषय के अंतर्गत व्याख्यान की श्रृंखला में आज हम उद्यमिता एवं उत्पाद विकास शीर्षक पर बातचीत करेंगे। उद्यमशीलता किसी भी अन्य आर्थिक गतिविधि को आगे बढ़ाने से अलग है, चाहे वह रोजगार हो या किसी पेशे का अभ्यास करने की प्रक्रिया। जो व्यक्ति अपना व्यवसाय स्थापित करता है उसे उद्यमी कहते हैं, और यह ध्यान रखने की बात है कि उद्यमी को स्वरोजगार प्रदान करने के अलावा उद्यमशीलता अन्य दो आर्थिक गतिविधियों अर्थात रोजगार और पेशे के लिए अवसरों के निर्माण और विस्तार के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। हर व्यवसाय जब शुरू होता है तो वह दूसरे व्यवसाय को जन्म देता है, चाहे वह कच्चे माल और घटकों के आपूर्तिकर्ता हो या सेवा प्रदाता हो, जैसे दूरसंचार, वितरक बिचौलिया, विज्ञापन फर्म, लेखा फर्म, अधिवक्ता आदि। अतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्र के समग्र आर्थिक विकास के लिए उद्यमशीलता महत्वपूर्ण हो जाती है। परंपरागत रूप से यह माना जाता है कि उद्यमी पैदा होते हैं, कोई भी समाज उद्यमी को जन्म का इंतजार नहीं कर सकता, इसको विकसित करना पड़ता है। उद्यमिता का सही ढंग से विकास हो ताकि आर्थिक विकास सही तरीके से हो सके। उद्यमिता का सही मतलब है कि आप नौकरी तलाशने वाले के बजाय नौकरी देने वाले बने। अब हम बात करते हैं उद्यमिता की अवधारणा के बारे में। उद्यमी शब्द फ्रेंच क्रिया एट्रीपेडेंट से लिया गया है, जिसका अर्थ है शुरू करने के लिए। यह उन लोगों को संदर्भित है जो जोखिम उठाकर नया काम शुरू करते हैं। एक उद्यम एक उद्यमी द्वारा ही बनाया जाता है और इस निर्माण की प्रक्रिया को उद्यमशीलता कहते हैं। उद्यमिता एक व्यवसाय या व्यवसाय बनाने और एक लाभ उत्पन्न करने के लिए स्केलिंग करते समय किया जाने वाला कार्य है। अतः हम कह सकते हैं कि उद्यमिता को एक उद्यमी द्वारा अपने उद्यम को स्थापित करने के लिए की जाने वाली कार्यवाही की प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह एक रचनात्मक गतिविधि है। उद्यमशीलता अवसरों की तलाश करने, गणना किए गए जोखिम लेने और उद्यम स्थापित करने से लाभ प्राप्त करने का दृष्टिकोण है। यह जटिल सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, तकनीकी, कानूनी और अन्य कारकों का एक परिणाम है। यह एक गतिशील और जोखिम भरी प्रक्रिया है। अब हम बात करते हैं उद्यमिता के क्या लक्षण हैं। यह आर्थिक और गतिशील गतिविधि है, नवचार से संबंधित है, लाभ क्षमता है, जोखिम उठाने की क्षमता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्थिक और गतिशील गतिविधि। उद्यमशीलता एक आर्थिक गतिविधि है क्योंकि इसमें दुर्लभ संसाधनों के दस्तम उपयोग को सुनिश्चित करके मूल्य या धन पैदा करने की दृष्टि से उद्यम का निर्माण और संचालन शामिल है। अब हम बात करते हैं नवाचार से संबंधित। उद्यमशीलता में नए विचार की निरंतर खोज शामिल है। उद्यमिता किसी व्यक्ति को व्यवसाय के संचालन के मौजूदा तरीकों का लगातार मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करती है, ताकि अधिक कुशल और प्रभावी प्रणालियों को विकसित और अपनाया जा सके। लाभ क्षमता। लाभ एक उद्यम में एक विचार विकसित करने का जोखिम लेने के लिए उद्यमी को लगाया हुआ पैसा वापस दिलाना या मुआवजे का संभावित स्तर है। जोखिम उठाने की क्षमता। इसका अर्थ है कि उद्यमिता का सार इस पर निर्भर करता है कि आपने जो भी नया विचार सोचा अपने उद्यम के लिए उसे शुरू किया, उसमें कितनी परेशानियां आई, क्या आप उन्हें उठाने में सक्षम हैं। जब भी आप नया सोचते हैं जरूरी नहीं वो काम करे, इसके परिणाम सकारात्मक हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं, तथा वह नया सोचे विचार क्षण भर के लिए भी हो सकता है। जब कोई उद्यमी अपना उद्यम शुरू करता है तब से उसके लागू होने तक उसे संयम रखना चाहिए, ताकि अगर कोई जोखिम आए तो वह उसका सामना कर सके। अब हम उद्यमी प्रक्रिया के बारे में बातचीत करेंगे। उद्यमिता एक प्रक्रिया है जो कि सतत चलती रहती है, इसका कोई गंतव्य नहीं है। सभी सफल उद्यमी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, हैथवे, एप्पल, जमशेदजी टाटा आदि इस प्रक्रिया में शामिल हैं। एक उद्यम को स्थापित करने के लिए और चलाने के लिए इसे तीन भागों में विभाजित किया जाता है। उद्यमशीलता की नौकरी, पदोन्नति और संचालन। उद्यमशीलता की नौकरी दो चरणों तक सीमित है, अर्थात नए विचार का होना और व्यवहार्यता अध्ययन। सबसे पहले हम बात करते हैं विचारों का सृजन।
एक विचार उत्पन्न करने के लिए उद्यमी को तीन चरणों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला है अंकुरण। यह बोने की प्रक्रिया की तरह है, पर यह प्राकृतिक बोने की तरह से बहुत अधिक है। अधिकांश रचनात्मक विचारों को किसी विशेष समस्या या अध्ययन के क्षेत्र के बारे में किसी व्यक्ति की रुचि या जिज्ञासा से जोड़ा जा सकता है। तैयारी। एक बार जब रुचि जिज्ञासा का बीज एक केंद्रीय विचार का रूप ले लेता है, रचनात्मक लोग समस्याओं के जवाब की तलाश शुरू करते हैं। आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए आविष्कार आगे बढ़ेंगे, डिजाइनर इंजीनियरिंग नए उत्पाद के बारे में सोचेंगे, उसी तरह यह भी उत्पाद के और उपभोक्ता के बारे में सोचने विचार ने लगते हैं। तीसरा है उस्मान्य। यह एक ऐसा चरण है जहां उद्यमशीलता की प्रक्रिया अवचेतन बौद्धिकता में प्रवेश करती है। उपचेतन मन संबंधित विचारधारणा से जुड़ता है ताकि यह संकल्प मिल सके। व्यवहारिता अध्ययन यह देखने के लिए किया जाता है कि क्या विचार व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हो सकता है या नहीं। इसके दो चरण हैं। पहला है रोशनी, दूसरा सत्यापन। रोशनी का अर्थ है वह विचार आपके दिमाग में आते ही आपको क्या करना है। यह वह चरण है जब विचार को यथार्थवादी रचना माना जाता है। विचारों का सिलना महत्वपूर्ण है क्योंकि विचारों का खुद से कोई मतलब नहीं है। सत्यापन आवेदन के लिए यथार्थवादी और उपयोगी के रूप में विचार को सत्यापित करने के लिए यह आखिरी चरण है। सत्यापन एक विचार में लागू करने और समाज और उद्यमी के लिए इसकी उपयोगिता का पता लगाने के लिए व्यवहारिकता के बारे में चिंतन है। उद्यमिता विकास का क्या महत्व है? यह सकल घरेलू उत्पाद और पूंजी निर्माण में योगदान देता है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि आर्थिक विकास की सबसे आम परिभाषा है। उत्पादन की प्रक्रिया में आय का उत्पन्न होता है, इसलिए उद्यमी उत्पादन के संगठन के माध्यम से आय उत्पन्न करते हैं। उद्यमिता विकास रोजगार का सृजन है। प्रत्येक नया व्यवसाय विभिन्न क्षमताओं, कौशल और योग्यता वाले लोगों को रोजगार का एक स्रोत देता है। हमारे समाज में एक बड़े हिस्से को औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार मिलता है, जो बेरोजगारी की समस्या का हल है। दूसरों के लिए व्यावसायिक अवसरों का सृजन देता है। यदि एक व्यवसाय उत्पन्न होता है, उसके साथ अनेक अन्य व्यवसाय भी खुलते हैं, जो कि अनेक अवसर प्रदान करते हैं लोगों को रोजगार के लिए। किसी देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास में उल्लेखनीय भूमिका है। उद्यमी एक उद्यम स्थापित करता है और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, इसलिए समाज की आधुनिक आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है और देश की तेजी से आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए प्रेरित भी करता है। उद्यमिता विकास स्थानीय समुदायों को प्रभावित करता है, क्योंकि उद्यमिता अपने प्राकृतिक आवास में यानी छोटे स्तर पर ज्यादा असर दिखाती है। छोटे स्तर के उद्यम गरीब और असहाय लोगों को एक अनेक आर्थिक सपने देता है। क्योंकि उद्यमी बनने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है, ऐसे ही उद्यमिता एक आकर्षक व्यवसाय का विकल्प है। समाज को नवाचार का लाभ देता है। उद्यमिता और नवचारों का सीधा संबंध है। उद्यमी की निरंतर खोज नवचारा और हमारे समाज और राष्ट्र को अधिकतम लाभ देता है। समाज में स्थिरता स्थापित करता है। उद्यमी न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी उद्यम स्थापित करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर छोटे कुटीर और लघु उद्योग स्थापित किए जाते हैं, जिससे हमारे समाज में स्थिरता आती है। संतुलित क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उद्यमी राष्ट्र के सभी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करते हैं, जो आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण करते हैं और संतुलित क्षेत्रीय विकास की ओर ले जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग। उद्यमशीलता कम
उत्पादकता और उपज के प्राकृतिक संसाधनों को उच्च उत्पादकता और उपज के क्षेत्र में स्थानांतरित करने की एक प्रक्रिया है, इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग भी किया जा सकता है। सरकार को कर देता है, उद्यमी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और प्रबंधन करके लाभ कमाते हैं। यह लाभ समय समय पर बढ़ता रहता है और सरकार को बड़ी मात्रा में करों का भुगतान करता है। समाज के जीवन स्तर को ऊपर उठाता है। एक उद्यमी हमेशा एक बदलाव की खोज करता है, उनका जवाब देता है और अवसरों के रूप में उनका शोषण करता है। इस तरह वे हमारे समाज के लिए आधुनिक और शानदार उत्पादों के उत्पादन करते हैं और समाज के स्तर को बढ़ाते हैं। विकास एक अवधारणा है और जिसके विचार से एक उत्पाद लाने में शामिल सभी चरणों को संदर्भित करता है, जो कि इस प्रकार है। एक, बाजार की जरूरत की पहचान करना, अवधारणा और उत्पाद को डिजाइन करना, उत्पाद का रोड मैप तैयार करना, एक न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद को विकसित करना, ग्राहकों की प्रतिपुष्टि के बाद उत्पाद को बार बार नया रूप देना। अब हम उत्पाद जीवन चक्र के बारे में बातचीत करेंगे। उत्पाद जीवन चक्र के विभिन्न चरण हैं। सबसे पहला चरण है उत्पाद विकास चरण। उत्पाद विकास चरण उत्पाद जीवन चक्र का पहला भाग है। यह चरण केवल उत्पाद के निर्माण के बारे में नहीं, इसमें अनुसंधान और परीक्षण करना भी शामिल है। बाजार अनुसंधान और प्रतियोगी विश्लेषण विकास चरण के लिए अनुसंधान का मुख्य हिस्सा है। हमारे उत्पाद का विकास कैसे हो और उत्पाद को मान्य करने के लिए एक व्यवसायिक मामला बनाने के लिए क्या किया जाए। परीक्षण उपयोगकर्ताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त करना और उत्पाद का परीक्षण करना भी उत्पाद के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा चरण है परिचय चरण। यह वह चरण है जिसमें उत्पाद को शुरू में बढ़ावा दिया जाता है। किसी उत्पाद की सफलता के लिए सार्वजनिक जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। यदि लोग उस उत्पाद के बारे में नहीं जानेंगे तो वे इसे कैसे खरीदेंगे। दो अलग अलग रणनीतियां हैं जिनका उपयोग आप अपने उत्पाद को उपभोक्ताओं से परिचित कराने के लिए कर सकते हैं। आप प्रवेश रणनीति का उपयोग कर सकते हैं या स्मीकिंग रणनीति का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा चरण है बढ़ोतरी चरण। बढ़ोतरी से हम यह समझ सकते हैं कि यहाँ उत्पाद की बाजार हिस्सेदारी बढ़ने लगी है। अक्सर इस स्तर पर विज्ञापन पर बड़ी राशि खर्च की जाती है। आप अपने विज्ञापन अभियानों को अपने लक्षित दर्शकों और मौजूदा ग्राहकों पर केंद्रित करना चाहते हैं और अपने उत्पादों के लाभ को उन्हें बेचना चाहते हैं। चौथा चरण है परिपक्वता चरण। उत्पाद जीवन चक्र में चौथा चरण परिपक्वता चरण है। यदि आपका उत्पाद परिचय और विकास के चरणों को पूरा करता है तो यह परिपक्वता चरण में बहुत समय बिताने की संभावना है। इस चरण में बिक्री बहुत तेज दर से बढ़ती है और फिर धीरे धीरे आपके बाजार में हिस्सेदारी स्थिर होने लगती है। पांचवा चरण है गिरावट। यह वह चरण है जिसमें आपके उत्पाद की बिक्री गिरना शुरू हो जाती है। या तो हर कोई जो आपके उत्पाद को खरीदना चाहता है या नया अधिक अभिनव उत्पाद बनाए गए हैं जो कि आपकी जगह लेते हैं। प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए और अपने बाजार में हिस्सेदारी रखने के लिए आपको अपने मौजूदा उत्पाद को फिर से विकसित करना होगा और उसे सुविधाओं पर चलना होगा। आदर्श रूप से परिपक्वता और गिरावट के बीच आप अपने व्यवसाय की सफलता को जारी रखने के लिए उत्पाद विकास चक्र को पुनः आरंभ करते हैं। हम उत्पाद विकास चक्र के बारे में बातचीत करेंगे। उत्पाद विकास चक्र में पहला चरण है योजना। योजना चरण में वह कार्य शामिल है जिसे किसी भी विकास शुरू होने से पहले की आवश्यकता है। आप इसके लिए यह सुनिश्चित करें कि आपके पास उत्पाद के लिए एक वैध व्यवसाय का मामला हो और अपने स्टार्टअप को सफलता का सबसे अच्छा मौका देने के लिए एक ठोस रणनीति हो। दूसरा जो चरण है उत्पाद विकास में वह है विकसित करना। यह कार्यशील उत्पाद देने के लिए आपको प्रबंधन संसाधनों और विकास की आवश्यकता होगी, जिसमें समय पर सफलता के लिए मुख्य विशेषताएं शामिल हैं। यह एक महान उत्पाद विकसित सुनिश्चित करेगा और आपका उत्पादन और इसकी विशेषताओं का मूल्यांकन करने में सक्षम करेगा। एक बार आपका उत्पाद अच्छे से
बाजार में आ जाए। मूल्यांकन करना, योजना चरण के दौरान की गई धारणा के परीक्षण करने के लिए प्रारंभिक प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि आप इसकी विशेषताओं का मूल्यांकन करें, जब तक उत्पाद पूर्णता के लिए तैयार नहीं हो गया है, तब तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मूल्यांकन में प्रतिक्रिया कुछ सुविधाओं को बदलने की जरूरत है तो उन्हें बदलें। आप उत्पाद का मूल्यांकन कैसे करते हैं ये आप पे निर्भर करता है। उत्पाद की सफलता को मापने के लिए मैट्रिक्स रूप से प्रदर्शन संकेतक का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि अधिग्रहण की लागत, राजस्व, राजस्व वृद्धि की दर, एक्टिवेशनल, रिटेंशनल और रेफरल पैरामीटर्स को आप ले सकते हैं। प्रक्षेपण, प्रक्षेपण यह चरण है जिसमें उत्पाद जीवन चक्र के परिचय चरण के समान ही है। उत्पाद को लॉन्च करना, आपके लक्षित दर्शकों को उत्पाद को सजीव आकार देना शामिल है। यह कार्य प्रेस में घोषणा और साक्षात्कार, विज्ञापन, सार्वजनिक लॉन्च इवेंट बनाने आदि के साथ किया जाता है। आकलन, उत्पाद की प्रत्येक विशेषता को यह देखने के लिए परीक्षण और आकलन करने की आवश्यकता होगी कि उत्पाद को पूरी तरह से रखने और चालू करने के लायक है भी या नहीं। पुनरावृत्ति खत्म करना, एक बार मूल्यांकन व आकलन हो जाए, हमें इस बात का फैसला लेना होगा कि किस विशेषताओं को बढ़ाएं और किसे घटाएं। जो उत्पाद की विशेषता ग्राहकों को संतुष्ट नहीं कर रही है तथा जिसमें आय भी नहीं हो रही है, उसे हटा देना चाहिए और यह कार्य सही योजना के साथ होना चाहिए तथा ग्राहकों को इसके बारे में पता होना चाहिए। जिस विशेषता वाले उत्पाद को आपको रखना है, उसे समय समय पर देखते रहें ताकि आप प्रतिस्पर्धा दौड़ में बने रहें। प्रस्तुत अध्याय से यह निष्कर्ष निकला है कि उद्यमिता का सही मतलब आप प्रबंधन के सही तरीकों को अपनाएं तथा अपने खुद के पैसों से अपना उद्यम शुरू करें और मुनाफा कमाएं और दूसरों को अवसर दें कि वे भी आपके साथ जुड़ें और बेहतर कल बनाएं। उद्यमिता का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है क्योंकि इसमें निवेश को प्रोत्साहित करने के कारक, उत्तेजना के कारक और प्रतिस्पर्धा की भावना, परिवर्तन और नवाचार के कारक, नौकरी के निर्माण के कारक, जीवन की गुणवत्ता में सुधार और आय को बेहतर वितरण से लाभ होता है तथा नवयुवकों को उद्यमिता के माध्यम से रोजगार के साधन मिलते हैं और उद्यमी व्यक्ति रोजगार देने तथा हमारे समाज में प्रगति का एक रास्ता देते हैं। धन्यवाद।